आगे कंटिन्यू करते हैं हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। अब नाम से ही पता चल रहा है कि पैराथायरॉइड का लेवल बॉडी में क्या है, डिक्रीज है। पैराथायरॉइड का फंक्शन क्या था कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और फॉस्फेट को एक्सक्रीट करना, यही नॉर्मल फंक्शन था। अब बात करते हैं हाइपो पैराथायरॉइडिज्म की। वॉइस कट रही है दोबारा? हेलो, अब आ रही है? अच्छा, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज है। ठीक है, अब जो ये नॉर्मल जो काम कर रहा था, कैल्शियम के लेवल को बॉडी में इंक्रीज कर रहा था और फास्फेट के लेवल को डिक्रीज कर रहा था, क्या वो अब ये कर सकेगा? डेफिनेटली ये नहीं कर सकेगा। ठीक है, पहले बात करते हैं ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जिसके अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो सकता है। नंबर वन, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि अपने ही जो नॉर्मल इम्यून सेल्स होते हैं ना, अपने ही जो बॉडीगार्ड सेल्स होते हैं, वो इसको पैराथायरॉइड ग्लैंड को ना एज अ पैथोजन समझ के इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या ये अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकेगा? डेफिनेटली अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगा, इसके अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, नंबर वन। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज, मैंने आपको जो ब्लड सप्लाई बताई थी, कौन सी, जो मैंने दो आपको आर्टरीज बताई थी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, अगर किसी पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी वही डैमेज हो गई है, तो मुझे आप बताएं कि क्या पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन, ब्लड सप्लाई मिलेगी? डेफिनेटली उसको ब्लड सप्लाई भी नहीं मिलेगी, सकती है, डेफिनेटली वो अपना फंक्शन भी नहीं कर सकी। इसके अंदर क्या होगा, हाइपो पैराथायरॉइडिज्म हो जाएगा। समझ आ गई कैसे इस पेशेंट के अंदर हाइपो पैराथायरॉइडिज्म हो सकता है? द लास्ट वन इज दैट डी जॉर्ज सिंड्रोम। अब देखिए, डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में ना थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच होते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच होते हैं। ये क्या करते हैं फ्रेंजियल पाउच, ये पैराथायराइड ग्लैंड की को बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप ये कह लें कि पैराथायराइड हार्मोन को, पैराथायराइड ग्लैंड को बनाते हैं कौन, थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच। डी जॉर्ज सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर ना हमारा थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच ही नहीं बनेगा। जब हमारा थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनेगा, तो क्या पैराथायराइड ग्लैंड उस पेशेंट के अंदर बन सकता है? डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड भी नहीं बनेगा। जब उसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेगा, तो क्या वो कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बॉडी में मेंटेन कर सकेगा? डेफिनेटली वो कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को भी बॉडी में मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारी इसकी कॉजेज हैं। कौन कौन सी, ऑटोइम्यून हो सकती है, सर्जिकल एक्सीजन मतलब कि ड्यूरिंग एनी सर्जरी आपने उसकी थायराइड आर्टरीज डैमेज कर दी तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तब भी पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाएगा, या डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच इसमें बनेगा नहीं। जब थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच नहीं बनेगा इस पेशेंट के अंदर, तो पैराथायराइड ग्लैंड ही नहीं बनेगा। तो अगर पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेगा, तो कैल्शियम और फास्फेट का लेवल बॉडी में मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, और ये डी जॉर्ज सिंड्रोम वाला एमसीक्यूज आता है। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। फेरेंजियल पाउच बेसिकली ना हमारे ना नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं बॉडी में। ठीक है, अब देखें, अब किसी का थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच है, थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो फेरेंजियल पाउच है वही नहीं है उसका। ठीक है, जब उसका वही पाउच ही नहीं है, तो क्या उस पेशेंट के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड बनेगा? नहीं बनेगा। नॉर्मल ग्लैंड्स की फॉर्मेशंस करती होती है थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच। अब जब थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच नहीं है, तो पैराथायराइड ग्लैंड उसका बन नहीं रहा। जब पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेगा, तो फंक्शन ही नहीं कर सकेगा अपना। आप समझ में आ गई है? अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अब किसी पेशेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल हाइपो पैराथायरॉइडिज्म हो गया, तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं? देखें, जब भी किसी पेशेंट के अंदर, हमेशा बात याद रखनी है कि हाइपो पैराथायरॉइडिज्म होता है, इन शॉर्ट कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करता है ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा टिंगलिंग सेंसेशन होगी, ऐसे जैसे हाथ पे कीड़े चल रहे हैं, नमनेस होगी उस पे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, आपने ये अक्सर देखा भी होगा। अब ये टिंगलिंग और नमनेस क्यों होती है, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर ना टेटनी होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी पेशेंट के अंदर
ये एक नर्व है, ये उसका मसल है, ये सोडियम और कैल्शियम की इन्फ्लक्स होता है, को ट्रांसपोर्टर इसको हम बोलते हैं, और ये आगे जाके किसको मैसेज देता है, मसल्स को मैसेज देता है कि ताकि वो अपना काम कर सके। अब किसी पेशेंट के अंदर हाइपो पैराथायरायडिज्म हो गया है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा उस पेशेंट के अंदर, कैल्शियम कम है उस पेशेंट का, तो जो उसका इन्फ्लक्स होगा नर्व पे वो भी कम होगा। जब उसका उस नर्व पे कम इन्फ्लक्स होगा ना, तो वो आगे मसल्स को भी कम मैसेज देगी, जब वो मसल्स को कम मैसेज देगी तो मसल काम भी उसका क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे ही उसको थोड़ा सा कैल्शियम मिलेगा, स्टिमुलेशन होगी उसके अंदर, तो वो फौरन मसल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, वरना वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम टेटनी। अब टेटनी को भी उसने आगे दो साइंस में उसको इससे डिफरेंशिएट किया है, एक होता है चुबोस्टिक साइन और एक होता है प्रोशियस साइन। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। चुबोस्टिक साइन में ये होता है कि जब भी हम उसकी फेशियल नर्व कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 7, उस पे पल्पेट करेंगे ना, अब उस पे हम ऐसे फॉर फॉर एग्जांपल, ये होती है हमारी ना टेम्पोरल बोन, ये जो आपने यहाँ पे जॉ लाइन बनती है ना आपकी, इस पे आप फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, मारेंगे ना अपनी फिंगर से, तो हल्का सा स्टिमुलेशन मिलेगा, कैल्शियम अंदर जाएगा नर्व के अंदर। तो जैसे ही कैल्शियम नर्व के अंदर जाएगा, वो फौरन से जाके मसल्स को मैसेज देगा और मसल उसके क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज नोन एज चुबोस्टिक साइन। क्या मैंने आपको भी बताया चुबोस्टिक साइन क्या होता है, कि हल्की सी कॉन्ट्रेक्शन मिली फेशियल नर्व को, उसने जाके क्या, अच्छा मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, देखें चुबोस्टिक साइन ये होता है कि हमने उसकी फेशियल नर्व को क्या किया, पल्पेट किया। फेशियल नर्व अगर पूछा कौन सी क्रेनियल नर्व है, तो क्रेनियल नर्व नंबर 7, ये भी एमसीक्यू आता है, ये लिखने, फेशियल नर्व को पल्पेट किया, तो वो ये जहां पे हमारी स्पेसिफिकली जॉ लाइन होती है ना, यहाँ पे जब हमने उसको हाथ से पल्पेट किया, वहां से मारा ना, तो नर्व ने थोड़ा सा मैसेज फौरन दिया किसको, मसल्स को मैसेज दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कैल्शियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा इसके अंदर, नर्व के अंदर। तो जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा नर्व के अंदर, वो आगे जाकर मैसेज देगी किसको, मसल को मैसेज देगी, तो फौरन से उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे फेस के। दिस इज नोन एज चुबोस्टिक साइन, और इसको हम टेटनी भी बोलते हैं। ठीक है, टेटनी में हम स्पेसिफिकली ये देखते हैं। अब देखें इसके अंदर जो दूसरा साइन होते हैं वो होता है ट्रोशियस साइन। अब ट्रोशियस साइन पता क्या होता है, हमने एक पेशेंट की ब्रैकियल आर्टरी पे बीपी वाला कफ लगाया, जब हमने उसकी ब्रैकियल आर्टरी पे बीपी वाला कफ लगाएंगे ना उसके, तो हम जब उसको जोर जोर से पंप करके उसका वो जो हम स्पेसिफिकली कफ लगाते हैं उसको टाइट करते हैं, तो जब हम उसको टाइट करेंगे ना, तो अगेन क्या होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, दोबारा नर्व के अंदर कैल्शियम थोड़ा सा जाएगा, नर्व से कैल्शियम जब जाएगा आगे मसल्स की तरफ, मसल को वो क्या देगा, मैसेज देगा, और मसल उसका कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। दिस इज नोन एज प्रोशियस साइन। और जो उसके स्पेसिफिकली कार्पल्स बोन होती है ना, जो हाथ की बोन होती है, हाथ पांव उसके टेढ़े हो जाएंगे फौरन, हाथ उसका फौरन टेढ़ा हो जाएगा, दिस इज नोन एज कार्पल स्पैज्म। हुआ किस वजह से, ट्रोशियस साइन की वजह से हुआ। ट्रोशियस साइन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ब्रैकियल आर्टरी पे कफ लगाया, ब्रैकियल आर्टरी पे कफ लगाने की वजह से उसको जब हमने कफ को टाइट किया, तो नर्व के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम गया, जब नर्व के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम गया तो उसने आगे मसल को मैसेज दिया, जब उसने मसल को मैसेज दिया तो मसल फौरन से कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। दिस इज नोन एज ट्रोशियस साइन और कार्पल स्पैज्म हम इसको बोलते हैं। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। Thank you.